जय जोर सोमवारी हो। मोर नाम यमन नायक। मोर नाम अजय यादव। तो हम लोग आ गए हैं एकदम पब्लिक डिमांड पे, हमारे चैनल के पब्लिक डिमांड पे कि भाई गणपति मूर्ति मेकिंग का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। जैसे कि हर साल लाता हूँ गणपति मूर्ति मेकिंग का वीडियो, लेकिन मैं आपको बताया होऊंगा कलर होते टाइम का लाता हूँ, जब कलर होते रहता है तब लाता हूँ। तो टाइम आ गया है, और जैसे कि हम लोग जानते हो हमारा रूट है हमलेश्वर महादेव घाट से हम लोग निकलते हैं औंधी होते हुए दुर्ग थनौट जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं ग्राम औंधी, और जहाँ मैं पिछले बार भी आया था आपको दिखाया था सबसे पहले वहीं फिर से आए हैं। बस इनका एड्रेस चेंज नहीं बोल सकते, उनका जो घर है वो रोड में थोड़ा आगे आ गया है। बड़ा सा पंडाल आपको दिख जाएगा, मूर्तिकार केंद्र देख सकते हो आप, ये गिरधर तिलक चक्रधारी मूर्तिकला केंद्र। और इस बार बहुत बड़ा पंडाल बना है भैया लोग का, है नहीं? पंडाल इतना बड़ा है तो मूर्ति भी कई बड़ा है। आपको अंदर जाके दिखाएंगे, जैसे देख सकते हो बन रहा है, तैयारी चल रहा है। कुछ में कलर हो चुका है, कुछ में नहीं हुआ है। जो कलर हो चुका है उसको आपको पहले दिखाते हैं। एकाध मूर्ति का, सबसे बड़ा वाली मूर्ति का आँख भर रहा है, थोड़ा सा उसका सीन दिखाते हैं आपको। और लगभग सब मूर्तियाँ तो बुक हो चुकी होगी, तो रेट पूछना या फिर कहाँ जा रहे हैं सब पूछना। फिर क्या है, कई लोग बोलते हैं रिवेल मत करो, समिति वाले लोग हैं अभी मत बताया करो भाई कहाँ जा रहा है, वहाँ के दर्शक लोग फिर ऐसा वैसा। तो हम फिर आपको बाहर में इंट्रो बोल दिए, अंदर जाके कुछ नहीं बोलना है, सीधा आपको गणपति जी का दर्शन कराना है, जो बन चुका है उनका, और जो नहीं बना उनका भी थोड़ा सा लास्ट में सीन दिखाएंगे, है ना? तो सबसे पहले मूर्तिकला केंद्र गिरधर तिलक चक्रधारी, और मैं और अजय मिल के आपको गणपति जी के भव्य रूपों का दर्शन कराते हैं बनते हुए। तो चलो मिलते हैं अंदर। तो ये सब मेरे ख्याल से जो ढांचा लोग हैं माता के लिए हो गए। तो ये रहा सामने का केंद्र, व्यू केंद्र का। और ये शुरू में आते आते मूर्तियाँ बन रही है, बाल रूप में गणपति जी का मां। तो चलो कलर वाला देखते हैं पहले। We'll be right back.
तो दोस्तों आपको मैं दिखाया कलर होते हुए फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट मूर्तिकला केंद्र, और मूर्तिकला केंद्र के हमारे भाई आने, ये हमारे भैया गिरधर तिलक चक्रधारी। कैसे हो? सब बढ़िया। तो सबसे पहले पिछले साल भी इनके यहाँ से शुरुआत किए थे, आज भी इनके यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और जगह चेंज है, पहले घर में बनता था, अभी थोड़ा पहले बन रहे हैं, वही औंधी में है ना, औंधी में। तो रायपुर से अमलेश्वर साइड से आओगे तो पहले पड़ेगा, भिलाई साइड से आओगे तो थोड़ा घर के बाद पड़ेगा। तो इस बार भी बहुत मस्त मस्त मूर्ति भव्य भव्य बन रहे हैं। सबसे बड़ा हाइट वाला कौन सा आपके यहाँ? चौदह के लिए बना है, 17। जो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला जो भी जो कलर चलेगा, जो व्हाइट वाला दिखाया आपको, थोड़ा पास होने का, जो व्हाइट वाला दिखाया आपको, जस्ट ये येलो कलर के पंडाल के पीछे बढ़ रहा है, वो चरोदा जा रहा है, और रायपुर के लिए भी बहुत सारा जा रहा है, जो भव्य बाल गणेश टाइप के रूप में, वो भी जो बैठेगा, वो लाखेनगर, वो भी 15 फीट लगभग का है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है आँख बनते हुए अभी दिखाया हमें। और जैसे कि सब काम चल रहा है तो बीच में मूर्तिकारों लोग से पूछना, सवाल जवाब, ऐसे भी तो ऑर्डर बंद हो चुका है, ऑर्डर तो क्लोज हो ही जाता है, हर पंडाल में हो जाता है। हाँ, तो सब पूछना कोई मतलब नहीं है, अभी मस्त कलर होते हुए गणपति जी का आपको दर्शन कराया, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बन रहे हैं भैया। तो और दुर्गा माता का तैयारी भी चल रहा है? हाँ, उसको भी चल रहा है, ये सब ढांचा वही है वो। तो दुर्गा माता के टाइम भी हम लोग आएंगे भैया यहाँ, जैसे कि पिछले बार भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। इस बार ज़्यादा कुछ बोलना वालना नहीं चल रहा है, सीधा गणपति दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि लेट हो गया। हाँ, और ब्लॉग कहाँ बना है आप? पहला ब्लॉग है? पहला ब्लॉग ये है, अब मैं जाऊँगा दुर्ग साइड, और क्योंकि टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी 14 तारीख से स्थापना चालू, 14 से 14-15 से स्टार्ट ही है, तो इस कारण मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पंडाल हो सके, जहाँ जहाँ जा सकूँ, दिखा सकूँ बोल के आपको मूर्ति दिखाया, और ये भैया को जानता हूँ बोल के इंटरव्यू ले लिया, बाकी जगह जाऊँगा तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो बाकी जगह सीधा मूर्ति दिखाऊंगा, केंद्र का नाम बताऊंगा, तो क्या है जिनको जानते नहीं जाके परेशान करना अच्छा ही लगता, क्योंकि बहुत सारे बिजी भी रहते कलाकार लोग, है क्या है टाइम देना बहुत, मतलब अभी क्या पास भी आ गए इस पर, नज़दीक है, और स्थापना क्या है अभी 15 से स्टार्ट है, मतलब जोरों शोरों से हर पंडाल में चल रहा है काम, तो इसीलिए आपको कलर होते हुए। तो चलो भैया, मिलते हैं आपसे फिर नवरात्रि टाइम में। तो अगले साल के लिए बुक कराने के लिए ये दिखाया आपको नंबर, आप वहाँ से लेके कॉल कर सकते हो अगले साल के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और इधर अजय बैठा है थक के, चलाओ चाय पी लेते।